अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम शेखुपुरा में मौजूद हैं, उमेर विर्क के घर पे। यहाँ पर हमारे साथ उस्ताद कमर शाह भी मौजूद हैं, उस्ताद कमर शाह मौजूद हैं, यहाँ के बड़े नामी ग्रामी शख्सियत है और बड़े काविशें की शौक़ को प्रमोट करने के लिए। और हमारे साथ मलिक साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। शेखुपुरा में मीडिया का जो किरदार है बहुत अहम है और उसे माशाल्लाह मलिक साहब ने कंट्रोल रखा हुआ है। वो काफ़ी सारे दोस्त साथी शौकीन यहाँ पर मज़ीद भी आए हुए थे और आज यहाँ पर सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी दोस्त साथी थे, बिलखसूस उमेर विर्क भाई का, जिन्होंने बहुत अच्छे और अहसन तरीके से यहाँ हमारा इस्तकबाल किया और बहुत इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे और हमेशा कामयाबियाँ दे। और इंशाल्लाह हमारे कमर शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। कमर भाई 2020 में इंशाल्लाह हम शेखुपुरा इंटर हुए में लाइफ में कभी शेखुपुरा नहीं आया था आज तक, बहुत खुशी हुई। और इंशाल्लाह अब मेरी ज़ाती तौर पर यहाँ शौक और शौकीन को देखकर ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि उमेर विर्क की छत जो है वो यहाँ शेखुपुरा से पंजाब लेवल पर फाइट करें इंशाल्लाह। और इस छत को पंजाब लेवल पर ले जाने के लिए इंशाल्लाह हम उमेर विर्क के साथ 100% खड़े रहेंगे और हर तरह का तावुन, हर तरह का इंशाल्लाह मैं उमेर विर्क के साथ हूँ इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह पाक ने चाहा 2021 के बाद से रिज़ल्ट इंशाल्लाह पंजाब लेवल पर इस छत पर ज़रूर अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह। कमर शाह साहब, क्या आपकी राय उमेर भाई के बारे में, इनके शौक़ के बारे में कैसा शौक? हाँ जी, उस्ताद जी इन्होंने शौक अच्छा चल रहा है। ये तकरीबन 2-3 साल तो इन्होंने जोड़े टूरनामेंट छोटे मोटे लेवल के टूरनामेंट ने उन्होंने विन किए हैं, बकाया जो बड़े टूरनामेंट जो उन्होंने जस्ताज तुम इन्होंने सपोर्ट कर दे इंशाल्लाह शामिल होंगे। बकाया इतने जो इन्हों का पिंड अपने टूरनामेंट उड़ता भी इन्होंने इस दफा विन किया। तो उस तो बाद जो सिंगल सुंगल कप ने भी इन्होंने शहर लेवल पर भी विन किया, कबूतर भी इन्होंने बैठा। तो बाकी इंशाल्लाह शौक ठीक कर देने तो और अल्लाह करे शौक करते रहन, उस्ताद रहनुमाई करते रहन। असी भी इंशाल्लाह जिथे साड़ी भी जरूरत हो असी भी इंशाल्लाह हाजिर हैं उस्ताद, कोई ऐसी गल नहीं है कि साडा छोटा वीर है, सानू जिथे बुलाएगा असी आने वास्ते इंशाल्लाह तैयार, कोई ऐसी गल नहीं है, जो सानू आखे असी हाजिर। बड़ी मेहरबानी जी। उमेर भाई, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और माशाल्लाह इस शौक को पाकिस्तान के कोने कोने में पहुँचाना और अच्छे लेवल पर लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो मैंने यहाँ आज तमाम दोस्तों साथियों के सामने ऑन एयर एक वादा किया शौकीनों से, लेकिन उसे अंजाम तक पहुँचाने में किरदार आपका बड़ा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहनत आपने करनी है, कामयाबी अल्लाह पाक देगा। उस्ताद अब्दुल वासित की जो नेक तमन्नाएं हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात पर शुक्रिया अदा करते हैं उस्ताद जी ने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। उस्ताद अब्दुल वासित हमारे पास बैठे हैं और जितना भी इनका शुक्रिया अदा करें कम है, इनके अखलाक का, इनके मिलनसार का, इनकी कबूतर परवरी का, हर लिहाज से जो है ना ये नंबर वन है हमारे साथ बैठे इंशाल्लाह। उस्ताद अब्दुल बासित की ही काविशों से इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो छत है वो पंजाब को अपने दिन करेगी इंशाल्लाह। मलिक साहब क्या कहेंगे भी आप शौक के बारे में? मेरे भाई का माशाल्लाह जी नज़र है शेखुपुरा पे। माशाल्लाह उस्ताद जी, जैसा मैंने सुना था आपको माशाल्लाह वैसा पाया भी है। एक बात होती है कि नाम सुनना, नाम ही कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल हर चीज़ होती है, प्रैक्टिकल जरूरी है। माशाल्लाह आपको देखा जाता है पारस के तौर पे, पारस समझते हैं आपके किसी भी चीज़ को जो टच करके, एक चीज़ है पीतल की, अगर उसके साथ कोई चीज़ टच हो गई है तो वो सोना बन जाती है। माशाल्लाह आप इसके साथ टच हो गए हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो माशाल्लाह मेहनत आपकी किसी से लुकी छुपी नहीं है, माशाल्लाह हर तरह के टाइटल आपने जीते हैं और माशाल्लाह उमेर भी एक मेहनती लड़का है, माशाल्लाह जुनूनी है, मेहनती तो है लेकिन जुनून जो वो जीत के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा जितनी देर तक बंदा किसी टारगेट एक ना ले, मेरा जैसे मैं एक सेंसिटिव हुई यानी कि समझने वाला, मैंने कह रहा यार छोड़ो बोरे यार मेरी वहाँ तक पहुँचनी है, लेकिन जो जुनूनी होता है ना उसको, जो टारगेट होता है उसको कोशिश ये होती है कि इसको अचीव करना। तो माशाल्लाह वो उमेर भाई में है, अल्लाह का कामयाब करे इसको फ्यूचर। मलिक साहब ने जो पारस वाली बात की है ये दोस्तों 100% सच में ऑन एयर कह रहा हूँ कि जब से उस्ताद अब्दुल बासित सर टच हुए हैं तब से ही हमारी परफॉर्मेंस आ रही है, उससे पहले बिल्कुल भी हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये उस्ताद अब्दुल बासित बिल्कुल ही पारस हैं, इनकी रहनुमाई हासिल हुई है तो कुछ हमें जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उस्ताद अब्दुल बासित की रहनुमाई के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था।
कि ये होता। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं रायजैन हसन, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारा साथ देते हैं जहाँ तक मुमकिन हो हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं दोबारा उस्ताद जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास तशरीफ़ लाए, मेहमान नवाजी का हमें मौका दिया। यकीन माने उस्ताद जी, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। माशाल्लाह खुशकिस्मती है कि आप कराची से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बिल्कुल यकीन माने मेरी तो ख्वाहिश है आप दो तीन दिन यहाँ पे रहें। मैं तो बहुत जोर लगा, आपको शौक भी यहाँ का करवाएं, आपको विजिट वगैरह करवाया तो आपको इंशाल्लाह। मैं सितंबर में जब असू का टूर्नामेंट उड़ेगा कोशिश करूंगा, मैं खुद ही आऊँगा इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह पाक में चाहता हूँ, चलो इंशाल्लाह आपको शौक भी करवाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम दोस्तों साथियों से इजाज़त चाहेंगे। अभी लाहौर का सफ़र है, फिर कराची का सफ़र है। ये हफ़्ता बड़ा बिजी रहा लेकिन शौकीनों के बीच में रहा। आप यकीन करें इस हफ़्ते में हमने 20-20 घंटे भी सफ़र किया है और 18-18 घंटे भी सफ़र किया है, लेकिन जब भी हम बेड पर आए ना हमें थकावट महसूस नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि जो हमारे प्यार करने वाले भाई हैं दोस्त हैं उनसे मुलाकात के बाद तसव्वुर भी नहीं, यकीन करें उनसे मिलने के बाद थकावट हमारी ख़त्म हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कराची जाएंगे, वहीं से इंशाल्लाह शो की शुरुआत करेंगे पंजाब में, KPK में, जहाँ पर भी हमारे दोस्त साथी मौजूद हैं। इंशाल्लाह इस शो का मज़ा आएगा और उमेर इंशाल्लाह 2021 के बाद उमेर का रिजल्ट अल्लाह पाक ने चाहा आउट क्लास आएगा इंशाल्लाह। आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Thank you.